हेलो फ्रेंड, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं फिश केयर रिवा। जैसा कि मैं एक्वेरियम की नई जानकारी के साथ आता रहता हूं, तो आज भी आया हूं और हमारे पास कुछ फिशेस आने वाली हैं, तो उनकी अनबॉक्सिंग करता हूं और आपको दिखाता हूं कौन कौन सी फिश आई हुई है। चलिए ऐसे लास्ट तक बने रहिएगा और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, जो नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए शुरू कर देते हैं और लास्ट तक आप बने रहिएगा। दोस्तों, मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया था और उसके बाद मेरे पास ये निकली है एस्केट। ये छोटी साइज की एस्केट आई हुई है, देख लीजिए। जिस किसी को चाहिए हो तो आके ले सकता है। हमारे पास काफ़ी सारी फिशेस आ गई हैं। ये चिकलेट ग्रुप में है और अपने पास ऑस्कर फिश आ गई थी। इसमें इम्पोर्टेड ऑस्कर और इंडियन ऑस्कर दोनों मिक्स है। और हमारे पास बड़ी साइज की ब्लैक मोर चाहिए था जिस किसी को, तो अपने पास बड़ी साइज़ की ब्लैक मोर भी आ गई है। और भी आपको दिखाता हूँ, बड़ी साइज़ की गोल्ड भी आ गई है और हमारे पास गोल्ड फिश भी आ चुकी है। ये गोल्ड फिश है, काफ़ी सारी गोल्ड फिश मैंने मंगवाया था। इसमें कुछ चुने हुए कलर हैं, इसमें ब्लैक और गोल्ड का मिक्सअप है। कितनी सुंदर लग रही हैं, क्या कभी कभार ये चुने हुए कलर आती हैं अपने से। और बहुत से कस्टमर को चाहिए था ग्रीन सेब्रम, ये ग्रीन सेब्रम अपने पास आ चुकी है और ये इम्पोर्टेड ग्रीन सेब्रम है, ये आ गई है अपने पास। बबल आई फिर से अपने पास आ गई है और हमारे साथ अभी ये भी आ गई है अपने पास, क्या कहते हैं, रेड कैप फिश भी आ गई है। और हमारे पास आई हुई है कुछ वेल टेल एंजल जो अभी जख्मी हालत में है, अभी ये रेस्ट करेंगे 2 दिन, उसके बाद इसको सेल करेंगे। और हमारे पास इम्पोर्टेड में आ गई है डिस्कस फिश, ये देख लीजिए डिस्कस है। ये मैं एंजल के साथ डाल दिया था, ये डिस्कस फिश है, आपको डिस्कस फिश मिल जाएगी अपने पास। और हमारे पास एक फिश और आई है, उसको बोलते हैं कौड़ी। ये एलगी खाती हैं और जो ये कमल के पेड़ लगाते हैं ना, उनमें ये काम आती हैं और बहुत सारी चीज़ों में काम में आती है। कौड़ी फिश होती है, ये लाइव एक्वेरियम में भी डालते हैं बहुत कस्टमर, उसमें थोड़े से सीप नहीं आ जाते हैं, सीप को भी ख़त्म करती हैं। और हमारे पास आ गई है ब्लैक सकर फिश, जिसको कहते हैं ब्लैक कोको, और ये जिंदा ही है लेकिन ऐसे बनी रहती ना, पर डर लगता है। ये देखिए जिंदा है अभी। और जिसको भी चाहिए था ये कलर बिडो टेट्रा, ये भी अपने पास आ चुकी है, जिस किसी को चाहिए तो आके ले सकता है। और हमारे पास मोली फिश भी फिर से आ गई है और अपने पास शार्क फिश भी आ गई है, ब्लैक शार्क और एल्बिनो शार्क। और हमारे पास मिल जाएगी कॉर्प फिश, ये हमारे पास है कॉर्प, इसको कोई कॉर्प भी बोल सकते हैं, नहीं तो ये इंडियन कोई कॉर्प होती हैं। और अपने पास मिल जाएगी गुरामी फिश, जिसको गुरामी चाहिए थी। और नीचे साइड आप गौर करिएगा, रेड टेल शार्क है अपने पास, रेड टेल शार्क मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल हमारे पास यही सारी फिशेस आई हुई है, जिसको भी चाहिए हो वो आके ले सकता है। आई होप आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। आज चलते हैं, हम नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं आपसे। ओके बाय दोस्तों।